ये प्रॉब्लम क्रिप्टोग्राफी से लिया गया है एंड यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया गया है एंड वी हैव टू फाइंड पब्लिक की पेयर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, कंसीडर द आर एस ए पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम गिवेन। पी की वैल्यू दी गई है, क्यू की वैल्यू दी गई है एंड डी की वैल्यू दी गई है। इसका मतलब क्या, पी एंड क्यू दो प्राइम नंबर का सेट लिया गया है और यहाँ पे प्राइवेट की दिया गया है। डी रिप्रेजेंट प्राइवेट की, ई एंड ई रिप्रेजेंट पब्लिक की। तो यहाँ पे पब्लिक की पेयर पूछा गया, इसका मतलब क्या है, ई एंड इन हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इस तरीके का प्रॉब्लम गेट जैसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो हम लोग यहाँ पे एन का वैल्यू निकाल लेंगे, तो एन इज नथिंग बट पी मल्टीप्लाइड बाई क्यू, सो दैट इज 39। तो 39 हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, दो ऑप्शन ऑलरेडी ए एंड डी यहाँ पे आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, सो आइदर ऑप्शन बी और सी करेक्ट होगा। तो हम लोग एन की वैल्यू निकाली, अब हमें वैल्यू ई का निकालना है, दैट इज पब्लिक की। तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं कि हमें पता है e मल्टीप्लाइड बाई डी मोड फाइ एन इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो e का किस वैल्यू के लिए 1 होगा। तो आपको d पता है, d इज नथिंग बट 7 पता है एंड फाइ एन इज नथिंग बट p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस 1, सो दिस इज 24, सो दिस इज ऑल्सो नोन। तो ये हमें पता है, d हमें पता है, तो e क्या होगा, दैट इज इसको हम लोग यदि सिंप्लीफाई करें तो e टाइम्स 7 और 7 e मोड 24 इज इक्वल टू 1। तो आपको यहाँ पे ट्रायल मेथड से चेक करना पड़ेगा, e का वैल्यू आप यदि 1 दे तो 1 इंटू 7 7 मोड 24 इज नॉट 1, दिस विल बी 7। तो इस तरीके से आपको e का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए आपको चेक करना पड़ेगा। एक बार e का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 पुट करने के बाद 14 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 14, दैट इज नॉट सेटिस्फाइड। तो इस तरीके से हम लोग e का वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे, तो e का वैल्यू 7 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, e का वैल्यू 7 पुट करेंगे तो क्या होगा, 49 मोर 24, तो क्या होगा, रिमाइंडर 1 आएगा, सो दिस इज करेक्ट। सो द वैल्यू ऑफ e विल बी 7, सो करेक्ट आंसर विल बी 7, 39। आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट।